So hello my dear friends and students, how are you all of you? Once again welcome to all of you on your own YouTube channel SA Education Point. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथमेटिक्स इस पार्ट को देखने वाले हैं. इसमें sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा, ये सारे वैल्यूज कैसे एवेल्यूएट करते हैं ये हमें इस वीडियो में देखना है. और इसी के साथ जो है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा, या फिर साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, या फिर साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा, ये सारी वैल्यूज कैसे एवेल्यूएट करते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एंड फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू उसकी रहेगी, कहाँ वो पॉजिटिव रहेगा, कहाँ वो नेगेटिव रहेगा, दैट वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन दिस वीडियो है ना. तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं. टॉपिक इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक 2D क्वाड्रेंट सिस्टम. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट वी कॉल्ड एक्स डैश. दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दैट वी कॉल्ड वाई डैश. पॉजिटिव एक्सिस x-axis इज कॉल्ड y एंड नेगेटिव x-axis इज कॉल्ड y डैश. अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, हमें सारे एंगल जो हैं पॉजिटिव x-axis से देखते हैं है ना. सारे एंगल्स जो हैं हम कहाँ से देखते हैं, पॉजिटिव x-axis से देखते हैं. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है, ये पूरा जो एंगल है ये है 90 डिग्री का. ठीक है, यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारे जो हैं पॉजिटिव होते हैं है ना. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. ठीक है, पहली बात. नेक्स्ट, अब पहला ये है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना. ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ सारे पॉजिटिव फंक्शंस होते हैं. सेकेंड जो क्वाड्रेंट है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसी का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, ये दो फंक्शन पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ऑल सिल्वर टी मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा. ठीक है, सिर्फ ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव रहेंगे. ठीक है, मैंने ये कहा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव रहेंगे. इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव रहेंगे. नेक्स्ट और लास्ट वाला जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑल सिल्वर टी एंड कप. ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है ऑल सिल्वर टी कप. ऑल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए सिल्वर, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टी एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कप.
तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड थिंग जो है वो ये है कि यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो कब होते हैं, ठीक है। कोई फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कब होती है ये हमें देखना है। तो सबसे पहला जो है देखिए, जो इंटरचेंज का जो मैटर है वो ये है कि साइन थीटा जो है इंटरचेंज होता है कॉस थीटा में, ठीक है। कब होगा साइन थीटा कॉस थीटा में, कब इंटरचेंज होगा, या कॉस थीटा साइन थीटा में कब इंटरचेंज होगा, ये चीज हमें देखनी है। सेकंड, सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये भी हमें देखना है, ठीक है। सेक थीटा और कॉसेक थीटा ये क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये भी हमें देखना है। और थर्ड जो है कॉट थीटा और टेन थीटा ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, ये भी हमें देखना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को हमें देखना है। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो है वो ये है कि ये इंटरचेंज कब होंगे, ठीक है। ये इंटरचेंज तब होंगे जब मान लीजिए जैसे साइन थीटा की बात करें, तो यहाँ पर यदि थीटा की प्लेस पर 90 माइनस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा या फिर 540 माइनस थीटा, ऐसा सिर्फ साइन थीटा वाले फंक्शन के लिए ही नहीं है, कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा हर फंक्शन के लिए ऐसा होगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा में जो फंक्शन है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। या फिर 270 माइनस थीटा में भी इस तरीके से चेंज होगा, या फिर 540 माइनस थीटा में भी इस तरीके से चेंज होगा, है ना, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर जो है 90 का हमें ऑड मल्टीपल देखना है, कि जैसे 91 जा 90 होता है, फिर यहाँ पर 93 जा 270 होता है, और यहाँ पर 95 जा 540 होता है, 450 होता है, सॉरी। ठीक है, मतलब जब भी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब भी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल आएगा उस केस में जो फंक्शन है वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। और इंटरचेंज कैसे होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि यदि हमें साइन 90 माइनस थीटा देखना है, तो देखिए जब भी हमें कोई फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 माइनस थीटा। इस केस में जो है साइन का मैंने आपको बताई दिया था कि यहाँ पर 90 का ऑड मल्टीपल है 90, क्योंकि 91 से 90 होता है, मतलब ऑड मल्टीपल। तो अब साइन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है यहाँ पर जो है साइन को हम बेस फंक्शन बोलते हैं, तो बेस फंक्शन और ये पॉजिटिव है, ठीक है। आपको जो है जब भी इस तरीके से चेंज करने को आए तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले देखना है कि बेस फंक्शन क्या है आपका, व्हाट इज द बेस फंक्शन, और यहाँ पर 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। और बेस फंक्शन की जो यदि बात करो, तो बेस फंक्शन को मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये इस बेस फंक्शन से ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो बेस फंक्शन ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई दिस कॉस थीटा विल पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब मान लीजिए यदि इसकी जगह ऐसा होता, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा मतलब कि अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है ना, क्योंकि देखिए यहाँ 90 से लेकर ये 90 है, ये 180 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई।
मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट की यदि बात आ जाए और यहाँ पर 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा हो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो बेस फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, मतलब इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर 180 मतलब कि 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है, काफ़ी इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि इतनी बात समझ में आ गए हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है, यदि हम एक और बात करें कि जैसे मान लीजिए कॉस 180 माइनस थीटा लिखता है, यदि मैं कॉस 180 माइनस थीटा लिख देता तो अब क्या होता कि यहाँ पर 180 माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री का जो है ऑड मल्टीपल है। ठीक है, वीडियो को आप जूम करके देख सकते हैं, जूम की फैसिलिटी होती है यूट्यूब पे। ठीक है, जब भी आप को ऐसा लगे कि राइटिंग छोटी है तो आप देख सकते हैं जूम करके। तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो अब इसमें क्या होगा कि 180 माइनस थीटा तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा, है ना, साइन इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पर साइन का आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है बेस फंक्शन यहाँ कॉस है तो कॉस यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। फिर थर्ड, टेन 90 माइनस थीटा, तो देखिए टेन जो है, टेन थीटा जो है ये चेंज होगा। ठीक है, टेन का में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, टेन जो है कॉट में चेंज होगा क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल 90 है। ठीक है, तो कॉट जब कॉट में चेंज होगा तो एक कॉट थीटा तो आगे जाएगा, पर हमें ये भी देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन जो है पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉट थीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें देखना है sec 270 माइनस थीटा, तो sec 270 माइनस थीटा अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है। सबसे पहली बात कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट यदि हम देखें तो ये जो है ये है क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में sec का ये 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब कि क्वाड्रेंट फिर चेंज होगा, है ना, तो sec का क्या होगा, मतलब फंक्शन चेंज होगा। sec का क्या मैंने बताया आपको, sec थीटा का क्या हो जाएगा, cosec थीटा, तो cosec थीटा तो होगा पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले जो है आपको क्वाड्रेंट चेक करना है, क्वाड्रेंट चेक करने के बाद आपको बेस फंक्शन देखना है कि ये उसमें लाए कर रहा है कि नहीं, लाए नहीं कर रहा तो नेगेटिव, लाए कर रहा है तो पॉजिटिव, है ना, ये मतलब ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम आपको ऊपर बताया। ठीक है, क्लियर होगा आपको मेरे ख्याल से। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि कॉट 360 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 360 माइनस थीटा यदि आपसे किसी ने पूछा, तो कॉट 360 माइनस थीटा इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो है, ठीक है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट है मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कॉट का तो कॉट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑड मल्टीपल नहीं है, ये इवन मल्टीपल है। ठीक है, ये क्या है, इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो इवन मल्टीपल होने से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट का कॉट ही रहेगा और ये थीटा हो जाएगा, पर जो है ये माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कॉस और साइन की पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे आप सभी फंक्शंस को जो है निकाल सकते हैं और इसके साथ जो है आप किसी फंक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी ने मुझसे बोला, देखिए यहाँ पर क्या है कि एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले जो है साइन 765 डिग्री देख लेते हैं। ठीक है, यदि आपसे किसी ने बोला कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो आप कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका प्रोसेस पूरा।
कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा कि हम इसको पहले लिखेंगे साइन 720 प्लस 45। अब आप बोलेंगे कि सर इसको 720 प्लस 45 क्यों लिखा है, तो देखिए ये इसलिए लिखा है क्योंकि साइन 720 मतलब दो बार क्वाड्रेंट आपका कंप्लीट हो रहा है, 360 में एक बार कंप्लीट होता है और 360 में एक बार, और 360 हमने जोड़ दिया तो 720 हो जाएगा, मतलब दो बार आपका क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा साइन 720 प्लस 45, ठीक है। तो ये इसको हम डायरेक्टली साइन 45 लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ईजी है, आप आराम से, ठीक है, इसको देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिएगा ज़रूर इसको, ठीक है। इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में देखते हैं, आज के लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।